Haryana hockey team has bagged gold medal in second season of Khelo India. Goalkeeper Abhishek had a lion's share in making the team win the gold medal. Abhishek, after winning the gold medal, reached his hometown Kurukshetra recently. The 17-year-old player is suffering penury due to which he could not afford costly sports kit. His father has requested the government to support him so that his son becomes a member of Indian hockey team and brings name to the country. पिछले साल हम नेशनल खेलने के लिए गए तो मेरे पास किट नहीं थी खेलने के लिए तो उन्होंने कहा कि जब तक ये बढ़िया वाली किट नहीं मिलेगी तो हम इसे खेलने नहीं देंगे तो मेरे घर वालों ने भैंस बेच के तो वहाँ से 50,000 की वो आई वो किट वो वहाँ से भैंस बेच के 50,000 की वो किट लाए वहाँ मेरे लिए स्पेशल तो उन्होंने सीधा वो किट मुझे कैंप के लिए कैंप में भिजवाई फिर भी वहाँ मेरा नाम नहीं पड़ा तो इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया और हमने रांची में ब्रॉन्ज मेडल जीता था जिससे हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए वहाँ का टिकट मिला था इसलिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में हमने उत्तर प्रदेश को और फाइनल में पंजाब को हरा कर इस गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है कभी कभार तो ऐसा भी दिल करता रहा कि हम इस गेम को छोड़ दें क्योंकि ये बहुत कॉस्टली गेम है फिर भी हमारे घर को मेरी बड़ी मदद करी वो कहते थे नहीं नहीं हम आपके साथ हैं हम आपके साथ हैं फिर दिल करता रहा खेलने फिर दोबारा दिल करता रहा दोबारा खेलने फिर दिल करता रहा छोड़ते नहीं फिर भी हम डटे रहे और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं आगे कहाँ खेलने जाओगे आगे मेरा वो इंडिया खेलने का सपना है कि मैं अपने इंडिया के लिए खेलूँ हाँ जी मैं इसीलिए अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ और मैं आगे मेरा यही सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लाऊँ दिक्कत तो ये आती है जब गेम के अंदर एक राजनीतिक माहौल हो जाता है पार्टीबाजी आ जाती है तो बच्चा वहाँ पर अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाता तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी गेम के अंदर कोई पार्टीबाजी हो या राजनीतिक पॉइंट आए कहीं मैं टू दी फ्रैंक बोलता हूँ कि बच्चे को उसकी टैलेंट के ऊपर आगे जाने दिया जाए